Hello everyone, welcome to our new lecture. We are learning chapter number 5, that is substances and the surrounding, their states and properties. In a previous lecture we have studied the properties of metals. So we have covered one property, that is malleability, and we have also covered the another property, that is ductility of the metal. Okay, so in the previous lecture, we have studied that malleability is the property of a material or a metal wherein it can be converted into sheets by hammering. Okay, so this property of the metal by which we can convert them into a thin sheet, okay, that property which is associated to a metal is called as malleability. Okay, now the other property that we have discussed was ductility, and it is the tendency or ability of the metal to be stretched and drawn into a wires. Okay, so the property by which the metal can be stretched and can be converted into a thin wire, okay, or strong firm wire, that property is called as ductility. Okay, now we are going to see another property, that is electrical conductivity and thermal conductivity. Okay, so what is electrical conductivity? Electricity flows through metals. All metals are conductors of electricity to a greater or lesser extent. This property is called electrical conductivity. So electrical conductivity kya hai, dekho, har ek metal ki ability hoti hai ki usse electrical current pass ho sakta hai, flow ho sakta hai. Okay, जो भी कंडक्टर्स मतलब क्या, ऐसे मेटल जो जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है. ओके, सो उन मेटल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स बोलेंगे, या फिर जो प्रॉपर्टी है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोलेंगे. ओके, तो आप लोगों ने देखा रहेगा कि आप लोग को सबको मालूम है कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड्स होते हैं, ओके, स्विचिंग बोर्ड्स, बटन जो होता है जिसे हम लोग ऑन ऑफ करते हैं, लाइट चालू बंद होती है, वो जो स्विच बोर्ड्स है वो किससे बनते हैं, प्लास्टिक के होते हैं या फिर वुड के बने हुए होते हैं. ओके, लेकिन उनमें जो वायर्स का कनेक्शन आपको देखने मिलेगा स्विच के नीचे, वो कौन सा होता है, मेटल से बना हुआ होता है. अब यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन आना चाहिए कि स्विच बोर्ड्स प्लास्टिक या फिर वुड के क्यों बने हुए होते हैं, क्योंकि वो क्या है, बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, उनमें से इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो नहीं हो सकता. ओके, वो जो स्विच बोर्ड्स है वो मेटल के क्यों नहीं बनाए जाते, क्या रीज़न है उसके पीछे, रीज़न ये है कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या है, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब उनमें से इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो हो सकता है. और अगर हम लोग ऐसे किसी भी चीज़ को टच करेंगे जिसका कनेक्शन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से लगा हुआ है, ओके, मतलब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे अगर किसी चीज़ को हम लोग टच करेंगे तो हमें क्या लग सकता है, इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है. ओके, तो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या, ऐसे मेटल जिसमें से करंट फ्लो हो सकता है, या फिर ऐसे मटेरियल्स जिनमें से करंट फ्लो हो सकता है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे. और ऐसे मटेरियल्स जिनमें से करंट फ्लो नहीं हो सकता, उसे हम क्या बोलेंगे, बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे. ओके, तो मेटल की ये प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसका मतलब क्या है कि मेटल्स में से इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो हो सकता है. ओके, कुछ मेटल्स में से इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा फ्लो होता है और कुछ मेटल्स में इलेक्ट्रिकल करंट की जो फ्लो होती है वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती. ओके, इवन वेन अ पीस ऑफ मेटल इज हीटेड इट एट वन प्लेस द होल ऑफ इट बिकम्स हॉट, इट शोज दैट द मेटल्स अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी. नाउ वी हैव सीन वॉट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. सो सिमिलरली देर इज वन मोर प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल, दैट इज थर्मल कंडक्टिविटी. इसमें क्या होता है कि जो हीट है, हीट एनर्जी, वो क्या होती है, मेटल में फ्लो होती है. अगर आप लोगों ने अपने, सपोज ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पैन है, ओके, फ्राइंग पैन है. नाउ अगर आप इसे हीट करोगे और इसका जो हैंडल है वो भी मेटल से ही बना हुआ है, उसके ऊपर किसी भी प्लास्टिक की कोटिंग, फाइबर की कोटिंग नहीं है, ओके,
इंसुलेटेड कोटिंग नहीं है इसके ऊपर, हैंडल के ऊपर। और अगर आप इस फ्राइंग पैन को गर्म करोगे, और ये जो गर्म फ्राइंग पैन है उसके अगर हैंडल को आप लोग टच करते हो, तो आपको क्या लगेगा, गर्मी लगेगी। ओके, मतलब जो हीट है वो आपके हाथों को लग जाएगा। ओके, आपको उससे क्या होगी, तकलीफ होगी। इसका मतलब क्या है कि जो मेटल होता है उनमें हीट जो है वो फ्लो हो सकता है। ओके, जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है मेटल्स में, वैसे ही हीट भी क्या होता है, मेटल में फ्लो होता है। और ये जो प्रॉपर्टी है उसे हम क्या बोलेंगे, थर्मल कंडक्टिविटी बोलेंगे। ओके, सो अदर प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स आर दैट मेटल हैव अ टिपिकल शाइन व्हिच इज कॉल्ड एज लस्टर। ओके, मेटल चमकते हैं। ओके, उनमें चमक होती है। एवरी मेटल हैज अ कैरेक्टरिस्टिक कलर बाय विच इट कैन बी आइडेंटिफाइड। ओके, नाउ एवरी मेटल हैव अ पर्टिकुलर कलर एंड बाय दैट कलर वी कैन आइडेंटिफाई दैट मेटल। ओके, नाउ द क्वेश्चन, द टर्म यूज्ड ओवर हियर इज कैरेक्टरिस्टिक कलर। ओके, सो द कलर ऑफ एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ द मेटल इज डिफरेंट। ओके, सो देर आर सेवरल मेटल्स विच आर यूज टू मेक ट्रेडिशनल वॉल पेंट्स। ओके, एंड दे आर मेटल्स विच आर यूज टू मेक डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स ऑल्सो। एंड वाई दे आर यूज, बिकॉज द कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑफ मेटल इज डिफरेंट। ओके, एंड बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक कलर वी कैन आइडेंटिफाई अ गिवन मटेरियल और अ मेटल। नाउ द अनदर प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल इज सोनोरिटी। ओके, वॉट इज बाय सोनोरिटी, दैट इफ यू स्ट्राइक अ मेटल, ओके, इफ यू हिट अ मेटल बाय समथिंग एल्स, यू आर गोइंग टू हियर अ साउंड। ओके, सो मेटल्स एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज सोनोरिटी ऑफ मेटल्स। ओके, मेटल्स की एक एबिलिटी होती है, वो उससे आपको आवाज़ सुनाई देगी अगर आप मेटल को किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ में क्या करते हो, टकराते हो उसको। ओके, अगर कांटेक्ट में लाते हो, या फिर आप देखो, अगर आप मेटल को ड्रॉप भी करोगे एट अ सर्टन हाइट, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि ड्रॉप करने के बाद जब वो मेटल दूसरे सरफेस के साथ स्ट्राइक होगा, तब क्या आती है, आवाज निकलती है उससे। और ये जो प्रॉपर्टी है उसे हम क्या बोलते हैं, सोनोरिटी बोलते हैं। ओके, इसी वजह से आप लोग देखोगे कि बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो मेटल्स की मदद से बनाए जाते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल तानपुरा, वीणा और सतरंगी। ओके, ऑल दीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दे आर मेड बाय यूजिंग अ मेटल और अ स्ट्रिंग विच इज मेड अप ऑफ मेटल। ओके, सो मेटल्स दे आर लार्जली यूज्ड। ओके, मेटल्स आर यूज्ड टू मेक इक्विपमेंट्स। ओके, इक्विपमेंट्स लाइक विच आर यूज्ड इन फार्मिंग एक्टिविटीज और अदर एक्टिविटीज इन इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑल्सो मेटल इज यूज्ड हाईली। ओके, देन मेटल्स आर यूज्ड टू मेक वायर्स। ओके, मेटल्स आर ऑल्सो यूज्ड टू मेक ऑर्नामेंट्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल मेटल्स लाइक प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर। ओके, दे आर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स। ओके, देन कॉपर इज ऑल्सो यूज टू मेक ऑर्नामेंट। देन मेटल्स आर यूज टू मेक टूल्स। ओके, लाइक स्पेड, एक्स। ओके, सो मेटल्स एक्चुअली हैव अ वेरी वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन। ओके, एंड यू विल सी एवरीवेयर दिस इज यूज्ड, मेटल्स आर यूज्ड। ओके, एवरीवेयर नाउ ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी इंस्ट्रूमेंट दैट वी यूज, यू विल फाइंड दैट देयर सम काइंड ऑफ मेटल इज प्रेजेंट इन देम। ओके, राइट फ्रॉम योर मोबाइल टू अ फोर व्हीलर, एवरीवेयर यू विल फाइंड अ मेटल। सो दिस इज वॉट वी हैव स्टडीड, वी हैव स्टडीड अबाउट द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस इन दिस चैप्टर। ओके, वी हैव सीन वॉट इज द इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द मेटल्स ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर। ओके, एंड हाउ वी कैन मेजर द टेम्परेचर, टू मेजर द टेम्परेचर वी कैन यूज इंस्ट्रूमेंट विच इज कॉल्ड एज थर्मामीटर। ओके, देन वी हैव स्टडीड अबाउट हीट। ओके, एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। देन वी हैव स्टडीड डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंसेस, एंड दोज वर हार्डनेस, इलास्टिसिटी, ब्रिटलनेस, फ्लूडिटी, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। ओके, ऑल्सो वी हैव स्टडीड मेटल्स ऑल्सो फ्रॉम सेपरेट ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस। सो दिस मेटल्स एक्चुअली फॉर्म अ सेपरेट ग्रुप ऑफ द सब्सटेंस। ओके, देयर अदर ग्रुप्स ऑल्सो, फॉर एग्जाम्पल नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, बट इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड ओनली अबाउट मेटल्स।
Then we have seen properties of metal, and those are malleability, ductility, thermal conductivity, electrical conductivity, sonority, luster, and characteristic color. Okay, now you have to definitely remember the definitions of all these properties. Okay, and it will be better if you remember all the definitions along with an example. Okay, and try to understand the concept, because understanding the concept reduces an effort to learn them. Okay, so if you have understand what is malleability, if you know what is fluidity or what is elasticity, there is no need to learn it because you had understand it and you can easily explain your answer with the help of example. Okay, so it is better to understand the concept, and I hope you have understood this chapter. So for this chapter, you will be having a homework, and your homework is quite simple. What you have to do, you have to complete the exercise of this chapter. Okay, if you face any problem, you can message me. So this is it. We have completed this chapter. From the next lecture onward, we are going to start our new chapter. Okay, so that is it. Thank you.